छात्रों से लड़के बैट से बच के हम आ गए हैं आपको दिखाने। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज हम घूमने आए हैं गोल बावड़ी, जो कि है फरुख नगर में, और लैंडमार्क वगैरह आगे बताऊंगा। बाकी ये इसके बारे में डिटेल दे रखी है, और अगर आप कभी फरुख नगर आए हो तो ये गेट है, ये मेन झज्जर रोड पे ये बड़ा सा गेट आता है, इसके साथ में ये गेट लगा हुआ है। दिखाओ हमारे व्यूअर्स को, ये गेट लगा हुआ है, इसके अंदर जाके है रास्ता। तो चलो चलते हैं, हम तो पहले आगे निकल गए थे बट फिर बाद में पूछताछ करके फिर आए। अब मैं बताता हूँ आपको यहाँ आने का रास्ता। गुड़गांव से है ये 25 किलोमीटर, फरुख नगर डालोगे ना तो किसी से ही पूछोगे ना गोल बावड़ी तो आप पहुँच जाओगे। मैप में तो दिखा नहीं रहा था बट चलो आ जाओ चलते हैं अंदर। है कुछ होगा पक्का? हाँ पक्का कुछ है देखने का, ये मेन एंट्री बना रखी है घुसने की। चलो चलते हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि मगर ये भूतिया भूतिया हो गई, बट फिर मैं पहले अंदर देख के आया, फिर नेहा जी को मैंने रिव्यू दिया कि कुछ है देखने। नेहा कहती कुछ होगा नहीं तो मैं तो आऊँ ही नहीं, इसके ऊपर गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ चल रही हैं। अब देखो मेरा तो इसकी ऊंचाई सिर्फ 6 फुट है, वहाँ है ना, सिर्फ भीड़ नहीं है, मैं तो करता भीड़े का से। ये फाइनली आ गई है बावड़ी, बाहर से ऐसा लग रहा था ना अंदर कुछ भी नहीं होगा, पर मेरे को अभी भी समझ नहीं आया कि लाइट कहाँ से आ रही है, बेसमेंट में है ये तो। ये खुला है ओपन से। अच्छा वो उस यहाँ से रोड है ये जो जैसे ये है ना, ये जहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ 6 फुट का ही है। हाँ, ये ऊपर रोड है। ओके। ये साइड में ये बावड़ी बना रखी है। अच्छा हाँ। ओके, ओके। कोई बैठने बैठने का भी है यहाँ पे भी यार, स्ट्रेस रिलीविंग स्पेस है ये। स्ट्रेस रिलीविंग प्लेस प्लेस प्लेस। तो गाइस चलो नीचे चलते हैं, नीचे देख के आते क्या है इसके अंदर बीचों बीच। और यहाँ पे आसपास सब जगह स्टेयर लगा रखी है उतरने के लिए। अरे ये पहले जब पानी वानी का भरा होगा ना, जब बढ़िया होगा देखने का, अब तो सूख गया ये सारा। स्टेप वेल ये रहा, ये जस्ट ये कुआं बना रखा है बीचों बीच, और ये साइडों में है। गहरा तो काफी है ये। पर लग नहीं रहा ना कि ऊपर वहां पे ट्रैफिक चल रहा है। हाँ, शांति पे भी कितनी शांति है ना, तो यही तो है। तो गाइस ये तो थी बावली, अब चलते हैं आगे आ जाओ, इसमें और देखते क्या क्या चीज़ें हैं, पर थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा। चिड़िया थी मैं जब बैठे पर पता नहीं है ना बैठ और चिड़िया का, बालों में लगता है ना वो है? बालों से चमक जाता है ना बैट, बालों से कहीं से भी चमक सकता है। तो अब ये तो बेसिकली नीचे का था, अब चलते हैं ऊपर आ गए, ऊपर देखते हैं ऊपर जाते हैं। ओके, ये देखो चमकादड़ लटकी हुई कहाँ, ओह माय गॉड, देखना मत ऐसे आ जाना ना यार, मैंने कुछ नहीं कहा, अरे वो लटकी हुई है, लटकी हुई है, उड़ तो सकती है, भगवान प्लीज मुझे बचा लेना। तो गाइस खतरों से लड़के बैट से बच के हम आ गए हैं आपको दिखाने बावली। ओह पता नहीं कैसे कैसे टास्क कराते हो यार। अब देखो यहाँ से ट्रैफिक ही ट्रैफिक सुनाई दे रहा है मुझे, है ना, ये वो ट्रैफिक इसके ऊपर से जो जा रहा था जहाँ घूम के आए थे, और ये ऊपर से व्यू है यहाँ का बावली का। हाँ ये खिड़की भी बना रखी है, ये VIP एंट्री है। चार वो बना रखे एंट्री कैसे, मतलब लोग क्या ही करते होंगे पुराने जमाने में। पुराने जमाने में बस ये उसके लिए यूज होता था, नहाने के लिए बस। हाँ
राजा महाराजा यहाँ नहाने आते थे, ये वो करते थे राजा महाराजा लोग भी, रॉयल स्विमिंग पूल है। फिर वो यहाँ से डाक मारते थे, वही तो, क्या मतलब यहाँ पे क्या है नहाने का भी क्या सेंस बना, पानी में डाक मारते थे फिर स्विम करके और अपने पार, पता नहीं खाना खाने के लिए कहीं और, नहाने के लिए कहीं और, जो मीटिंग करनी है वो कहीं और, टाइम ही टाइम था उनके पास, टाइम नहीं। हाँ क्यों नहीं, तो गाइस आ जाओ जल्दी, मैं जल्दी नहीं आ सकती, धीरे धीरे मैं धीरे धीरे आऊंगी, अभी बावली तो वेट करेगी, बावली तो वहीं जाने में। तो गाइस यही थी पूरी बावली, बेसिकली नीचे से दिखा दी हमने, ऊपर से आपको दिखा ली। तो जहाँ तक मुझे पता है बावली तो यूज होती थी नहाने के लिए, क्योंकि मैं एक बार राजस्थान में गया था एक जगह घूमने, वहाँ पे भी ये था, वो पूरा पानी का भरा हुआ था, जैसे ये है ना, तो वो तो पूरा पानी का भरा हुआ था, पर ये यहाँ पे सूखा आ चुका है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बट अगर पानी होता ना तो देखने का काफ़ी बढ़िया होता, बट स्टिल ठीक है, आपको दिखाना था आप भी आ सकते हो, जैसे कि हमने बताया था ये कौन सी जगह नेहा, स्ट्रेस रिलीफ स्पेस प्लेस तो ऐसा उस तरीके से तो आप आ सकते हैं, यहाँ पे शांति मिल जाएगी आपको आके। तो हमारी शांति ख़त्म हुई, अब चलते हैं घर की तरफ वापस, और आज के व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।